खबर समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र से, जहां सब्जी लेकर जा रहे पिकअप वैन के लूट मामले में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में लूटी गई पिकअप बयान के साथ दो अपराधी को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 18 जनवरी को पिकअप वैन पर गोभी लोड करके सहरसा जा रहा था। इसी दौरान वारिसनगर थाना क्षेत्र के दर्शन बांध के पास अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर सब्जी से लदी पिकअप वैन और 1800 रुपए अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया, जिसके बाद इसकी जानकारी पिकअप वैन के ड्राइवर के द्वारा स्थानीय थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की गई और पुलिस टीम के द्वारा घटना की जानकारी शिवाजी नगर गोपी को दी गई, जिसके बाद शिवाजी नगर ओपी की पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दो अपराधी को गिरफ्तार किया और लूटी गई पिकअप वैन को बरामद कर ली। पकड़े गए अपराधियों की पहचान शिवाजी नगर ओपी क्षेत्र के रहने वाले सिंधु कुमार और बसंत कुमार के रूप में की गई है। 17 तारीख की रात की घटना है। यूजुअली प्रायः घटनाओं में ऐसा देखा जाता है कि घटना होने के बाद केस दर्ज होता है और फिर अनुसंधान प्रारंभ होता है, लेकिन इस घटना में घटना स्थल किसी और थाना में था और घटना का उद्भेदन किसी और थाना प्रभारी की टीम के द्वारा किया गया। ये घटना 17 तारीख की रात को एक पिकअप गाड़ी लेकर एक चालक सहरसा की ओर जा रहा था। हथौड़ी थाना क्षेत्र से निकले हुए थे और जब वो बल्लीपुर गाची के पास पहुंचे तो कुछ अपराधियों ने इनको रोक करके उनकी पिकअप में जो सामान लदा हुआ था वो और साथ ही दोनों फ़ोन उनके लूट लिए थे। घटना का उद्भेदन तो हो गया है, लेकिन घटना इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही घटना घटित हुई तो चालक के द्वारा तत्काल थाना को सूचित किया गया और जब थाना को सूचित किया गया तो हथौड़ी थाना के द्वारा शिवाजी नगर थाना को सूचित किया गया और उस समय शिवाजी नगर थाना के ASI शिवशंकर मंडल जो कि ड्यूटी में थे, उनको जैसे ही पता चला तो इन्होंने कार्य क्षेत्र की परवाह ना करते हुए एक सही पुलिस पदाधिकारी होने का परिचय दिया और तत्काल इन्होंने ड्राइवर के पास जिसके साथ घटना घटी थी उसकी दी गई लोकेशन पर पहुँचे। वो घटना स्थल तो हथौड़ी थाना में आता था, फिर भी ये वहाँ पहुँचे, उससे बात की, उससे पूरी घटनाक्रम को उन्होंने समझा और रात में ही इन्होंने अपराधियों की पहचान कर ली। जब तक हथौड़ी थाना आता तब तक ये अपराधियों की पहचान स्वयं अपने स्तर से कर चुके थे और अपराधियों की पहचान करने के बाद अपराधियों को गिरफ्तार किया। पूरी रात हमारा अभियान चला दोनों थाना के सहयोग से, इसमें दो अपराधी सिंटू कुमार और बसंत कुमार पकड़े गए। उनके पास से जो लूटी गई पिकअप थी वो बरामद हुई, जिस मोटरसाइकिल से घटना कार्य की गई थी वो मोटरसाइकिल बरामद हुई, उनके द्वारा जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, उस पिकअप में जो एसेसरीज थी जैसे गाड़ी का जैक था, स्टेपनी थी, रॉड थी, व्हील रेंच थी, ये सब बरामद हुए। जिस मोटरसाइकिल से उन्होंने घटना की थी वो बरामद हुई और पूरी घटना का उद्भेदन हुआ और उन्होंने जो बाकी पता चला हम लोगों को कि इसमें दो अपराधी और थे जो वर्तमान में भागे हुए हैं लेकिन आइडेंटिफाई हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हथौड़ी थाना को 7 दिन का समय दिया जा रहा है। हथौड़ी थाना 7 दिन के अंदर उन दोनों को भी गिरफ्तार करेगा। घटना का उद्भेदन हो गया है, लूट की घटना थी, काफ़ी संवेदनशील घटना थी। इस घटना में SI शिवशंकर मंडल ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। हथौड़ी थाना का रोल भी ठीक है लेकिन शिवशंकर मंडल को 5000 रुपये का रिवॉर्ड तत्काल प्रभाव से दिया जा रहा है और उम्मीद की जाएगी कि भविष्य में सब इसी तरह ये कार्य करते रहेंगे। जो अपराधी गिरफ्तार हुए उसे हाँ अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं उनका आपराधिक इतिहास अभी हम लोग निकाल रहे हैं, वर्तमान में तो पता नहीं चला है लेकिन अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर लगातार हैवॉक्स टीम जो है अच्छा काम कर रही है, उसके क्या कुछ दिशा निर्देश और दिया जाए जो अच्छा काम कर रहा है? टीम को दिशा निर्देश दिए गए हैं, खास करके शहर में मोटरसाइकिल से ही छीनतई की लूट की घटनाएँ हो रही हैं, आप लोग भी लगातार देख रहे होंगे घटनाएं हो रही हैं लेकिन मोटरसाइकिल से ही हो रही हैं। तो हम लोगों ने कोशिश ये है कि जो मोटरसाइकिल पर कम उम्र के लड़के, बदमाश टाइप के लोग जो दिख जाएं, आइडेंटिफाई हों, आम पब्लिक को किसी तरह की समस्या ना पहुंचे, इसलिए ही टीम हॉक्स का गठन किया गया है। वो अपना कार्य कर रहे हैं। ये सर पिकअप पर